गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कैलकुलेशन यानी बेसिक मैथ, फंडामेंटल मैथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स। वैसे तो ये सुनने में बहुत इजी लगेगा, जोड़ घटाओ ये तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं लोग, लेकिन जब आप लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको लगेगा कि कोई इतना फास्ट, इतना तेजी से और इतना जल्दी एक ही लाइन में जोड़ तथा घटाओ दोनों कैसे कर सकता है। तो बिल्कुल वीडियो अंत तक देखिएगा, आप आज नया सीखने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए सीखते हैं हम लोग ये जो सभी क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, 7 क्वेश्चन, लास्ट होते होते आप बिल्कुल सीख जाइएगा, उसके बाद अपने से इसको खुद से लिख के इतना क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन खुद से बनाना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में स्पीड तभी आएगा जब प्रैक्टिस आएगा, कैलकुलेशन का कोई भी क्षेत्र में स्पीड लाने के लिए। तो देखिए एक ही लाइन में कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ घटा तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इस प्रकार से एडजस्ट करके हम लोग जोड़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में ये तो सबका सब प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस प्लस है, फिर प्लस है माइनस माइनस डबल है प्लस है, सबको मतलब एक ही लाइन में बनाना, सेकेंड लाइन बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले फटाफट काट काट बना के बनाएंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कॉपी पेन आपका बर्बाद हो या गंदा हो, लेकिन स्पीड आ जाएगा बहुत, जरा ध्यान दीजिएगा। हम सभी जानते हैं कैलकुलेशन का नियम इकाई अंक का इकाई अंक से ही होता है, 3 2 5 5 10 और 3 13 के 3 बचा कितना, 1, फास्ट जोड़ते जाइए 7 और 1 जो बाकी था 8 8 16 16 3 19 19 और 4 23 के 3 बचा कितना, 2, उसके बाद 9 और 2 11 11 7 18 18 4 22 और 22 और 6 28, हम लोग का आंसर हो गया 28 33। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, तो नहीं तो इतना फास्ट बनेगा कि मुश्किल से 3 से 4 या 5 सेकंड में आप इजी वे में बना सकते हैं, क्लियर समझ में आए। तो ये तो सबके सब प्लस था, आप जरा दूसरा नंबर देखिए, प्लस 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 और एक माइनस, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी आप सीखे होंगे कि प्लस प्लस तीनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर माइनस को घटाएं तो दूसरा से जाके तीसरा लाइन में आंसर आएगा, लेकिन हमें एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लाना है तो क्या करना है, तो फिर एक ही पॉइंट करना, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, जितना आएगा माइनस को उसी इकाई अंक है या दहाई अंक है उसी में घटाते जाएंगे। देखिए 2 4 6 3 9 9 में से 7 घटेगा 2, क्लियर, यहां देखेंगे 3 4 7 7 14 14 में से 9 घटेगा 5, यहां देखेंगे 7 8 15 15 और 9 24। इससे फायदा क्या होगा कि स्पीड एकदम बढ़ जाएगा कि कितना कितना जोड़ेंगे तो तुरंत माइंड में आ जाएगा, ज्यादा मतलब कि सोचने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ फिर से 7 8 15 15 9 24 24 में से 5 घटेगा तो बचेगा 19, यानी फाइनली हम लोग का यहाँ पे आंसर आया 19 52, क्लियर हुआ। चलिए और देखते हैं, यहाँ ये प्लस में है, ये प्लस में और बीच वाला माइनस में है, ये तो सीधा है, लेकिन जब पैचा का घटा हुआ आएगा, जो हम लोग बचपन से पढ़ता रहे हैं कि बगल वाला से पैचा लेना है, यहाँ पे उसका एक अद्भुत तरीका सिखाएंगे, यहाँ पैचा लेना नहीं हम देना सिखाएंगे, फिर भी आंसर देखिए कैसे आएगा। यहाँ देखिए पहले प्लस वाला को जोड़ लेंगे, 7 और 8 15 15 में से 8 घटेगा तो बोलिए सर 7, फिर आई 9 और 5 14 14 में से 6 घटेगा तो बचेगा 8, फिर आइए 6 और 2 8 8 में से 4 घटेगा तो 4, फिर 4 और 3 7 7 में से 5 घटेगा 2। ये भी बिल्कुल आसान था, पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं, बड़ा था आराम से घटाते चले गए, क्लियर है। अब आ जाइए ये तीसरा था, चौथा नंबर में आइए, प्लस में है, ये लास्ट वाला प्लस में है और बीच वाला 2 माइनस में है, अब फटाफट कैसे घटाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस को जोड़ते जाएंगे और माइनस को घटाते जाएंगे एक ही लाइन। यहाँ पे आप कर सकते हैं प्लस प्लस को एक जोड़ लीजिए, फिर माइनस माइनस को घटा लीजिए, फिर तीसरा चौथा लाइन में प्लस वाला को और माइनस वाला को अलग अलग घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन में देखिए प्लस को जोड़ते हैं, 9 और 8 17 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, और 10 में से अभी 4 और घटाना है तो बचेगा 6, कितना आसान है। फिर देखिए 6 और 7 13 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 3, क्लियर है एकदम। बस इस तरह से समझते जाइए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे स्पीड अपने आप आ जाएगा। 4 और 9, फिर से 4 और 9 हो गया कितना 13 13 में 6 घटेगा 7 और 7 में से 2 घटेगा 5,
फिर से आइए, 5 और 8 13, 13 में से 2 घटेगा 11, 11 में से 3 घटेगा 8। बोले सर यहां भी पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस प्लस को जोड़ दिए, माइनस को घटा दिए, एक लाइन में आया। सोचे कि आप प्लस को जोड़ते फिर माइनस वाला को जोड़ते फिर दोनों को घटाते तो कम से कम जितना समय लगा उसका 4-5 गुना समय लग जाता। और ये स्पीड काम करेगा आगे चल के जब कैलकुलेशन हम लोग और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन भी कम से कम 10% 15% पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख दें। अब एक ही लाइन देखिए, प्लस में और डबल माइनस, बोले डबल माइनस क्यों सर, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे ये दोनों माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं लिख रहा हूं आपको लिखना कोई जरूरी नहीं, 84 63 -43 21 और ये भी माइनस हो जाएगा 25 32। अब एक ही लाइन में सीखेंगे हम लोग पैचा वाला जोड़ घटाव। देखिए 3 में से 1 घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 0, क्लियर। फिर से आइए 6 में से 2 घटेगा 4 और 4 में से 3 घटेगा बचेगा 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, अब 1 में से 5 घटाना है, यहीं पे समझिएगा ध्यान से। फिर से 4 में से 3 घटेगा 1, 1 में से 5 घटेगा, बोलिए सर नहीं घटेगा छोटा है, तो छोटा है तो पैचा लेना है, तो पैचा कहां से लेंगे, इसी से नहीं लेंगे, तो यहां पर याद रखना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर तरीका मैं बताता हूं, आगे भी जब हम प्रॉब्लम आगे भी देखेंगे तो जब पैचा लेने की बारी है, मतलब जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाए, तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, पैचा लेंगे नहीं, पैचा उल्टा देंगे, किसको देंगे, तो जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाए तो उसके बगल वाला को एक दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास 0 है तो वो 10 बन जाएगा, जैसे पैचा ले रहे थे। तो बोले सर पैचा लेंगे क्योंकि यहां पर एक प्लस है तो पता चल जाएगा इससे पैचा लेना, कहीं पर डबल प्लस डबल माइनस है जैसे यहां देखिए, तो कैसे पता चलेगा किससे पैचा लेना है, वहां याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं पैचा देना, वैसे भी देने से वृद्धि ही होता है, बचपन में सीख रहे थे पैसा ले पैचा लेना, अब हम लोग सीखेंगे देना। तो बोले सर आंसर क्यों नहीं बदलेगा, तो आंसर इसलिए नहीं बदलेगा कि पैचा लेना मतलब आप 8 से बन रहा था 7, मतलब प्लस वाला में 1 घटा रहे थे, और पैचा देना मतलब उल्टा क्या कर रहे हैं कि माइनस वाला में 1 बढ़ा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर में। देखिए फिर से 3 में से घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, 6 में 2 घटेगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 के बगल में 2 है उसको 1 दे दो, जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाए, फिर से इस पॉइंट को समझिए, जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाए तो उसके बगल वाला को 1 दे देना है, तो आपका जो 1 था वो 11 बन जाएगा, आपके पास 0 रहेगा तो 10 बन जाएगा, आपके पास 2 रहेगा तो 12 बन जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 3 में से 1 घटा 2, 2 में से 2 घटा 0, 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 3 घटा 1, अब 4 में से 3 घटा 1 और 1 में से घटाना 5 है तो 5 नहीं घटेगा तो उसके बगल वाला को 1 देंगे, तो आपके पास जो 1 था वो बन गया 11 और 11 में से 5 घट गया, बचा कितना 6, यहां 8, ये 8 के 8 ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं, 8 में से 4 घटेगा 4, लेकिन ये 2 नहीं रहा, ये 3 बन गया, ये कितना बन गया 3, तो 4 में से 3 घट गया 1, हम लोग का आंसर आ गया 16 10। आप बना सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए आगे, यहां 1 को प्लस में है 2 को माइनस में, फटाफट क्या 2 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 2 में से 7 नहीं घटेगा, आप सोचिए यहां पर कई बार पैचा लेते, 2 में से 7 घट नहीं घट रहा है तो 1 बार पैचा, फिर जितना आएगा उसमें से यदि हम घटाएंगे वो बड़ा हो जाएगा तो कैसे पैचा लेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं इस मेथड से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि 10-15 स्टेप क्यों ना चले जाए। क्या देखिए 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो क्या बताए पॉइंट कि जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाए पैसा लेना नहीं है, उसके बगल वाला को 1 दे देना है। यहां देखिए 2 में 7 नहीं घटेगा तो उसके बगल वाला 3 है उसको 1 दे दीजिए, तो आपका जो ये 2 है वो 12 बन जाएगा, काम उतना ही होगा जैसे पैसा में, लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर डिनोट कर देंगे तो अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंशियल आप बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए 2 में से 7 नहीं घट रहा है तो उसके बगल वाला को 1 दे दिए, 12 बन गया, 12 में 7 घट गया 5, लेकिन अब 5 बच रहा है, 5 में से घटाना 7 है तो बोले सर फिर तो बड़ा हो गया, तो फिर उसके बगल वाला को 1 दे दो तो आपका 5 बन गया 15, 15 में से 7 घटेगा 8, क्लियर हुआ। फिर से समझिए 2 में से 7 नहीं घट रहा है, उसके बगल वाला को 1 दे दो, जिसको घटा रहे उसके बगल वाला को,
तो आपका दो बन गया 12, 12 में 7 घटेगा 5, 5 में से 7 पुनः नहीं घटेगा, बड़ा हो रहा है, तो उसके बगल वाला 9 है उसको 1 दे दो तो आपका 5 15, 15 में से 7 घटेगा 8, आपके पास जो रहेगा वो बदल जाता है। फिर यहां देखिए 3 में से 3 नहीं रहा, 4 हो गया, 3 एक 4, तो 3 में से 4 नहीं घटेगा तो बगल वाला को 1 दे दिए, 13 में से 4 घटेगा 9, और 9 में से 9 नहीं रहा, 9 एक 10 हो गया तो 9 में से 10 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए 19, 19 में से 10 घटेगा 9, क्योंकि 9 है तो 19 ही बनेगा। फिर से 8, 8 में से 4 नहीं, 4 एक 5 हो गया, 8 में से 5 घटेगा 3, और 3 में से भी 4 नहीं, ये 5 हो गया तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल वाला को 1 दे दीजिए, 13 में से 5 घटेगा 8। फिर है 5, 5 में से 2 घटेगा चूंकि 2 ही बच रहा है तो 2, और 2 में से 1 नहीं, 1 का ऊपर भी 1 है 2 हो गया, 2 में से 2, फिर से 5 में से 2 घटेगा 3, और 3 में से 2 घटेगा 1, हम लोग का आंसर हो गया 18, 98। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाफट ऊपर डिनोट करते जाएंगे और घटाते चल जाएंगे। यहां देखिए प्लस प्लस डबल माइनस, देखिएगा फटाफट 7 और 2 9, प्लस को जोड़ना है, 7 2 9, 9 में से 8 घटेगा 1, और 1 में से 8 घटेगा, तुरंत बोलेगा नहीं सर बगल वाला को 1 दीजिए, 11 में से 8 घटेगा 3। देखिए थोड़ा फास्ट करते, 9 और 7 16, 16 में से 9 घटेगा 7, और 7 में से अभी 7 नहीं रहा 8 हो गया, तो क्या 7 में से 8 घटेगा, नहीं, तो बगल वाला को 1 दीजिए, 17 में से 8 घटेगा 9। फिर आइए 6 और 9 कितना हो गया, तो 6 और 9 हो गया 15, 15 में 2 घटेगा 13, और 13 में 8 है 9 हो गया, 13 में से 9 घटेगा तो 4, हम लोग का आंसर आया 493। तो आप देख लिए एक ही लाइन में जोड़ घटाओ कैसे हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। पैसा रहेगा तो पैसा लेना नहीं है बल्कि पैसा क्या करना है, देना है। इससे रिलेटेड मैं लास्ट में 3 क्वेश्चंस लिखूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है इसी मेथड से बना के। हो सकता है आपको आपका कॉपी गंदा हो, सातों को फिर से लिख लेना है और दो दो बार बनाना है, और खुद से भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करके बना, ये किताबी चीज नहीं है, खुद से हमें सीखना है कि हम कैसे अपने आप में स्पीड ला सकते हैं और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप भी एग्जाम्पल। आइए फिर से एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा, चूंकि 7 को मैं आपको बताया हूं, एक और बताता हूं 8, और ये तीनों का आंसर आपको देना है। देखिए इसको छोटा चीज नहीं समझना, इससे आपके कैलकुलेशन में अद्भुत बदलाव आएगा। ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है जोड़ घटाओ का, और जितना भी बेसिक रहेगा जैसे कि ये तो सीधा हो गया, फिर बीच में वाट आ जाता है उसको भी एक लाइन, फिर दशमलव रहता है उसको भी एक लाइन, फिर भिन्न का जोड़ बड़ा बड़ा रहता है उसको भी एक लाइन में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस को जोड़ेंगे माइनस को घटा देंगे एक ही लाइन में, 5 एक 6, 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 3 घट गया तो बोलिए सर 4 में से 3 घट गया तो हो गया 1। फिर 9, 9 तो 11, 11 में से 6 घट गया 5, और 5 में से 4 घट गया 1, क्लियर है। उसके बाद 6, 3 9, 9 में से 4 घट गया तो 5, और 5 में से 5 घट गया तो 0। अब खत्म, 4 और 8 12, 12 में से 3 घट गया तो बोले सर 12 में से 3 घट गया तो 9, 9 में से 3 घट गया 6, ये तो बिल्कुल सीधा था, पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है, और पैसा लेना भी नहीं है, क्या करना है, देना है। एक के पॉइंट याद रखना है कि कईयो स्टेप रहे, जो बड़ा हो जाए उसके बगल वाला को 1 दे देना है, आपका 0 10 बन जाएगा, 1 11 2 12 3 13, उसके बाद फटाफट घटाते चला जाना है, कितना स्पीड रहे, क्लियर है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इस तीनों का आंसर देना है। और नए विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, इस प्रकार के स्पीड बढ़ाने लायक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। और जो चैनल का लोगो है नीचे में वहां से टच करके आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन का प्रीवियस भी सॉल्यूशन करा रखा है, मास्टर वीडियो के द्वारा सभी चैप्टर को समाप्त कर रखा है ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो। वीडियो तक देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक।